गुड आईएमसी दोस्तों, आप सभी का वेलकम टू आईएमसी परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं आईएमसी के बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है श्री तुलसी। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि श्री तुलसी को बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री सम्मिलित है। इसमें श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, राम तुलसी, नींबू तुलसी, वन तुलसी, मतलब टोटल 5 तुलसियों का मिश्रण है। और आज के एपिसोड में हमें ये भी मालूम चलेगा कि हम श्री तुलसी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कैसे कर सकते हैं, साथ में ये हमें कौन कौन सी बीमारियों से लड़ने में सच में है और कौन कौन बीमारी को भगाने में लाभदायक देने वाली है। और सभी लोग अपने घरों में श्री तुलसी को रखना शुभ मानते हैं। तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी मानी जाती है। तुलसी को लोग देवी के रूप में भी पूजते हैं। तुलसी सभी उम्र के लोगों के लिए लाभदायक है और यह पौष्टिक गुणों से भरपूर है। तुलसी में विटामिन और मिनरल्स जैसे कि विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम की मात्रा भरपूर है। तुलसी दिल के रोगियों के लिए बेहतरीन टॉनिक है। संक्रमण को रोकने के लिए तुलसी का इलाज बहुत प्रभावी है। यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल, एंटी एजिंग, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी डिजीज गुणों से परिपूर्ण है। तुलसी का प्रयोग एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी तथा यूनानी दवाओं में भी किया जाता है। महर्षि चरक तुलसी के गुणों का वर्णन करते हुए लिखते हैं, तुलसी हिचकी, खांसी, विष, श्वास रोग और दर्द को नष्ट करती है। यह पित्त कारक, कफ, वातनाशक और शरीर और खाद्य पदार्थों के दुर्गंध को दूर करता है। सिर का भारी होना, माथे का दर्द, आधा सर दर्द करना, मृगी, नसिका रोग तथा कृमि रोग तुलसी से दूर होते हैं। महर्षि कहते हैं, तुलसी कफ, वात, विष कारक, श्वास, खांसी और दुर्गंध नाशक है। कफ और वायु को नष्ट करती है। भाव प्रकाश में वर्णन आता है कि यह हृदय के लिए हितकर, उष्ण तथा अग्नि दीपक है। मूत्र विकार, रक्त विकार को नष्ट करती है। यह पित्त नाशक, वात कृमि तथा दुर्गंध नाशक है। यह पसली का दर्द, खांसी, श्वास, हिचकी आदि विकारों को दूर करती है। संसार में लगभग 60 तरह की तुलसी के पौधे पाए जाते हैं, लेकिन भारतवर्ष में मुख्यतः 5 तरह के तुलसियों के पौधे का इस्तेमाल औषधीय रूप में किया जाता है। आईएमसी की श्री तुलसी भी इन 5 प्रकार की तुलसी के पौधों का सत निकालकर उपयोग में लाया जाता है। तुलसी 200 बीमारियों में लाभदायक है, जैसे फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, बुखार, खांसी, जुकाम, जोड़ों के दर्द, ब्लड प्रेशर, मोटापा, शुगर, एलर्जी, हेपेटाइटिस, पेशाब संबंधी समस्या, वात, नक्सीर, फेफड़ों की सूजन, अल्सर, तनाव, वीर्य की कमी, थकान को दूर करना, भूख में कमी, उल्टी आदि। खांसी अथवा गला बैठने पर तुलसी की 4-5 बूंदे गर्म पानी में मिलाकर पीने से खांसी और गले की तकलीफ में आराम मिलता है। श्वास की तकलीफ में तुलसी की 4-5 बूंदे काले नमक के साथ पीने से आराम मिलता है। तुलसी रक्त को साफ करने में सहायक है। इसका एंटीबैक्टीरियल गुण मुहासों को आने से रोकने में मदद करता है। तुलसी में पाए जाने वाले थाइमोल से त्वचा संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। दाद, खुजली और त्वचा की अन्य समस्याओं के लिए तुलसी की बूंदों को प्रभावित जगह पर लगाने से कुछ ही दिनों में यह रोग दूर हो जाते हैं। यदि कनपट्टी में दर्द हो तो श्री तुलसी को कनपट्टी पर मलने से आराम मिलता है। जहरीले जीवों से जुड़ी समस्या। जहरीले जीव सांप, बिच्छू, भौरा के काटने पर श्री तुलसी को प्रभावित स्थान पर लगाने से आराम मिलता है। श्री तुलसी को शरीर पर मलकर सोने से मच्छर नहीं काटते। हृदय के लिए श्री तुलसी के नियमित प्रयोग से कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होने लगता है। श्री तुलसी हृदय के लिए भी गुणकारी है। स्त्री रोग। यदि किसी महिला का मासिक धर्म अनियमित है तो सुबह शाम 8-10 बूंदे गर्म पानी में मिलाकर पीने से मासिक धर्म खुलकर होता है एवं
कमर दर्द से राहत दिलाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। सामान्य समस्याओं में हितकर, प्रातःकाल खाली पेट 4-5 बूंदे श्री तुलसी का सेवन करने से शारीरिक बल और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। श्री तुलसी वजन को नियंत्रित करने में सहायक है। मोटा व्यक्ति प्रयोग में लाए तो वजन घटता है, पतला व्यक्ति करता है तो उसका वजन समान ही रहता है। श्री तुलसी की कुछ बूंदों में थोड़ा सा नमक मिलाकर बेहोश व्यक्ति की नाक में डालने से उसे शीघ्र होश आता है। तुलसी को शहद में मिलाकर प्रतिदिन पीने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और बुद्धि विकसित होते हैं। तुलसी के नियमित सेवन से रक्त अल्पता, खून की कमी दूर होती है, हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ता है। बुखार और वमन में भी श्री तुलसी की 8-10 बूंदे पिसी हुई काली मिर्च के साथ पीने से वमन और ज्वर से राहत मिलती है। छोटे बच्चों को श्री तुलसी में मिश्री घोलकर सुबह देने से बच्चों की उल्टी, दस्त, खांसी और सर्दी और जुकाम में आराम मिलता है। जुकाम, छींके, सिर दर्द, बुखार, दमा आदि में श्री तुलसी की 2 बूंदे शहद में मिलाकर लेने से बहुत लाभ होता है। कैंसर में भी श्री तुलसी की 8-10 बूंदे 1 गिलास छाछ के साथ सुबह शाम पिएं। श्री तुलसी को दाद, खाद, खुजली, एक्जिमा आदि चर्म रोगों में तथा घाव को भरने की अच्छी औषधि मानी जाती है। आग से जलने, किसी भी विषैले कीड़े या मच्छर काटने पर भी श्री तुलसी को लगाने से आराम मिलता है। सिर दर्द, बाल झड़ना या असमय बाल पकने पर भी श्री तुलसी की 8-10 बूंदे एलो जेल में मिलाकर सिर और बालों की जड़ों में मालिश करने से सिर दर्द एवं बाल झड़ने की समस्या से आराम मिलता है। कान दर्द व कान बहने में भी श्री तुलसी को हल्का सा गर्म करके 1-2 बूंद कान में टपकाने से कान दर्द से राहत मिलती है। दांत दर्द, दांत से खून आने पर या दांतों में कीड़े लगने पर श्री तुलसी की 8-10 बूंदे पानी में डालकर कुल्ला करने से आराम मिलता है। मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए श्री तुलसी की 1-2 बूंदे मुंह में डालें। मुंह और गले में छाले, गले के दर्द में भी श्री तुलसी की 8-10 बूंदे गर्म पानी में डालकर गरारे करें। श्री तुलसी की 8-10 बूंदे बॉडी ऑयल के साथ मिलाकर अगर हम शरीर पर लगाकर सोते हैं तो मच्छरों के प्रकोप से हमेशा बचे रहेंगे। कूलर के पानी में 8-10 बूंदे श्री तुलसी की डालने से सारा घर रोगाणु मुक्त हो जाता है। श्री तुलसी और नींबू का रस समान मात्रा में मिलाकर रात्रि में सिर के बालों में अच्छी तरह से लगाकर सुबह बाल धोने से सिर की जुएं और लीकें मर जाती है। श्री तुलसी की 8-10 बूंदे एलो जेल में मिलाकर चेहरे पर सुबह और रात में सोने से पहले लगाने से त्वचा सुंदर हो जाते हैं और चेहरे से दाग धब्बे, झाइयाँ, किल मुहासे और झुर्रियों को दूर किया जा सकता है और बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है चेहरे में सुंदरता लाने का। अब हम कुछ बातें आपको श्री तुलसी सावधानी बरतने के बारे में बतलाएंगे, तो ध्यानपूर्वक सुने। श्री तुलसी के साथ दूध, मूली, नमक, प्याज, लहसुन, खट्टे फल या मांसाहार का सेवन करना हानिकारक सिद्ध होता है, अथवा कभी भी इन सभी के साथ श्री तुलसी का मिश्रण ना करें और ना ही किसी को सेवन करने दें। कुछ कंपनियां तुलसी के अर्क का उपयोग करती है, आइए जानते हैं श्री तुलसी और अर्क बनाने की विधि। अर्क बनाने की विधि, एक बर्तन में तुलसी के पत्तों को पानी में मिलाकर उबाला जाता है। तुलसी पानी वाष्प के रूप में फनल के रास्ते दूसरे बर्तन में जाता है, जहां पर पानी को ठंडा करके पुनः पानी में बदला जाता है। वाष्पीकरण करने से तुलसी के पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं एवं जितना चाहे पानी डालकर तुलसी का अर्क बनाया जा सकता है। ये थी अर्क बनाने की विधि। चलिए अब हम जानेंगे कि श्री तुलसी बनाने की विधि। श्री तुलसी बनाने के लिए तुलसी के पत्तों से आधुनिक मशीनों के द्वारा तुलसी का तेल के रूप में
सत निकालकर श्री तुलसी का निर्माण किया जाता है, जिसमें एक भी बूंद पानी की नहीं मिलाई जाती। तुलसी के तेल को एक खास विधि से पानी में घुलनशील बनाया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो जानकारी था श्री तुलसी के बारे में था विशेष जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी सुनकर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड आइंसी।